हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको साड़ी में से डिजाइनर ड्रेस कैसे बनाते हैं हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो इसकी लंबाई है वो हमें, तो एक हमें ऊपर का टो ऊपर का बनाना है और एक नीचे का। तो जो नीचे की लंबाई है उसकी 51 है कि। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको डिजाइनर ड्रेस कैसे बनाते हैं हम बताएंगे। तो ये हम साड़ी में से बनाएंगे, तो इसकी जो लंबाई है वो हम 51 इंच की रखेंगे 51 की, और जो चेस्ट है वो हमारी 44 है, और उसका हाफ हुआ 22, और ये हम 1/4 पर निशान लगाएंगे, और कमर हमारी 40 है और उसका हाफ हुआ 20, और जो 1/4 है वो 10 हुआ, तो उस पर हम 10 पर यानी 1/4 पर हम निशान लगाएंगे। और जो नीचे का घेर है वो हमें 38 इंच का रखना है। तो जो हमें गले की चौड़ाई है वो हमें 7 इंच की रखनी है, और आगे और पीछे का गला 5.5-5 इंच का हमें रखना है। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इस तरीके से इस साइड से डबल फोल्ड किया हुआ है, और जो इसकी लेंथ है वो सबसे पहले हमें ये 51 इंच में लेना है। तो इस तरह से करते हुए हम इसको 51 इंच में लेंगे, इसको निशान लगाएंगे नीचे तक, और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो हम 19 इंच की लेंगे। इस तरह हम 19 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ इस तरह से हम 19 इंच में इसकी कटिंग करेंगे, और सबसे पहले इस साइड से हमें इसको 19 इंच करके निशान लगाकर, और 51 इंच की इसकी हमें लंबाई रखनी है, और इसको हम कटिंग कर लेंगे, और इस साइड से सब पहले हम जोड़ लगाएंगे। तो ये हमारा आगे का फ्रंट का हिस्सा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 51 में इसकी लेंथ रखी है 51 इंच की, और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 19 इंच की रखी है, यानी 19 इंच। ये देखिए 19 इंच। और अब सबसे पहले जो ये बॉर्डर है इसको हम यहाँ पर बीच में सिलाई लगाएंगे, और उसके ऊपर बाद में हम ये लैस लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जोड़ लगाकर हमने इसमें पूरे में सिलाई लगाकर, और ये देखिए आगे की तरफ हमने इस तरह से पूरे में लैस लगा ली है। ये देखिए, अब इसी को रखकर हम पीछे के पीस की कटिंग करेंगे। तो जितना चौड़ा और लंबाई में है उतना ही हमें पीछे का पीस की आवश्यकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर का आगे का पीस है, और ये हमने जो पीछे का पीस निकालना है वो हमें बंद साइड से निकालना है। जो हमने पहले निकाला है वो इस साइड से निकाला है, और यहाँ पर हमने जोड़ लगाकर इसको आगे फ्रंट पे लिया है, और ये हमें इधर की बंद तरफ से काटना है बिल्कुल। ये देखिए बंद साइड है इधर, अब हमारी जोड़ लगाने के बाद, और ये हमारा इसमें भी बंद साइड है, और ये हमारी इधर की तरफ इसमें खुली साइड है। तो इसी के बराबर रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे के पीस के हमने इसी को रख के और निशान लगाकर इसी के बराबर हमने इसकी कटिंग कर दी है, क्योंकि ये सिलाई मारने के बाद हमारा आधा आधा इंच कम हो गया है, तो हमने इसी के अनुसार इसको रख के इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसके निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। ये देखिए पूरा मिलाते हुए इसको हमने रखवा, और ये हमारा पीछे का पीस है। आगे के पीस पर हमने आगे की तरफ लेस लगाई है तो बिल्कुल सेंटर नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हमने इसको निशान लगाने के लिए पीछे के पीस को दिया है। तो इसमें जो हमें तीरा है वो हमें 7 इंच का लेना है। तो ये हमने तीरा 7 इंच का लिया हुआ है, और जो आर्म होल है वो भी हमें 7 इंच में लेनी है। तो देखिए, ये हमने तीरे का निशान लगाया 7 इंच का, और यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगाया 7 इंच का, और जो चेस्ट है वो हमें 44 के 1/4 पर निशान लगाना है, यानी 11 पर। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये देखिए ये हमने 11 इंच पर निशान लगाया, और ऊपर से अब 8.5 पर हम कमर का निशान लगाएंगे, और कमर हमें इसमें 40 है, तो हम उसके 1/4 पर यानी 10 इंच पर हम इस तरह से रखते हुए निशान लगाएंगे 10 इंच पर। तो ऊपर से हमने 8.5 लिया, और यहाँ से हम इस तरह करते हुए 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह, और फिर इसकी हम इस तरह गोलाई दे देंगे यहाँ पर इस तरह। अब 1.5 इंच का हम आगे की तरफ कपड़ा रखेंगे मार्जिन का इस तरह यहाँ पर भी। अब इस निशान को हम सीधा कोड़ने से नीचे मिलाएंगे।
तो देखिए ये सीधे हमने इस तरह से मिलाते हुए यहाँ निशान को यहाँ कोने पर मिलाया, और ये हमारा आगे जो मार्जिन का कपड़ा है ये हमने यहाँ इसके साथ मिला दिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और गले का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम आर्म होल का इस तरह धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गोलाई लेते हुए यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो गला है वो हमें इसमें 3/4 इंच की चौड़ाई रखेंगे, तो यहाँ पर हम 3/4 पर निशान लगाएंगे। पोर्ट नेक गला बनाना है हमें, तो जो इसकी गहराई है वो हमें 5.5 लेनी है तैयार, तो हम 6 इंच लेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इस तरह करते हुए हम 6 इंच का लेंगे। तो 3/4 और 3/4 हमने चौड़ाई लेकर और थोड़ा थोड़ा हमारे सिलाई में आएगा तो ये हमारा पूरा 7 इंच का गला हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको आगे के पीस पर रखते हुए इसकी कटिंग करते हैं। और देखिए ये हमने दोनों ही अपने पीस मिलाकर बिल्कुल रख दिया, और ये इधर बंद साइड से दोनों हमने बिल्कुल पीछे की तरफ से बिल्कुल बराबर हमने इनको रखा हुआ है, और इस साइड से भी हमारे मिले हुए हैं। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ हम एक गले का निशान लगाते हैं सबसे पहले, और इस तरह से करते हुए इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1/2 इंच की हमने बैक की कटिंग हमने अधिक लगाई हुई है, तो सबसे पहले हम उसी के अनुसार कटिंग करेंगे, फिर आगे का पीस अलग करके जो आर्म होल के फ्रंट कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए हमने नीचे तक इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से, ये देखिए ये। अब जो हम फ्रंट में 1/2 इंच की जो है आर्म होल की कटिंग करेंगे, और दोनों गले बराबर रखते हुए हम इनकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करते हैं। तो जो हमने 3/4 इंच का निशान लगाया था उसके अनुसार हम कटिंग करेंगे 3.5। और आगे के पीस में ये 1/2 इंच की फ्रंट कटिंग इस तरह से। अब जो ये निशान है हमारे इनको हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल मिलाते हुए इस तरीके से इनको इधर भी लगा लेते हैं, इस तरह से हम पूरा मिलाते हुए इस तरह से पूरा मिलाकर इसको निशान लगाएंगे। और ये देखिए दोनों ही तरफ हमने निशान अपने डार्क कर दिए नीचे तक, ये देखिए उस साइड भी इस तरह से हमने निशान को अपने डार्क कर लिया है, ये ऊपर तक इस साइड भी। अब सबसे पहले हम गले में रेप की पट्टी लगाएंगे आगे और पीछे के गले में, और फिर अब अलग अलग हमें अपने आर्म होल में रेप की पट्टी लगानी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने गले में भी अपने रेप की पट्टी लगा ली है आगे और पीछे के गले में, और जो हमारी आर्म होल है उसमें भी हमने इस तरीके से रेप की पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। वैसे हम जो बनाते हैं तो ये तीर जोड़ने के बाद हम ये जो आर्म होल की पट्टी लगाते हैं, लेकिन इसमें हमें अलग अलग लगानी है। अभी हमें एक कटिंग और करनी है, तो चलिए हम उसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी हमें जो ये बॉर्डर है ये एक साइड करना है, और जो कटिंग है हमें इस साइड करेंगे यानी बंद साइड करेंगे। तो इसमें जो उसमें हमने आगे के पीस में जो हमने नीचे का पीस था उसमें हमने 51 दी थी लंबाई, और इसमें हम जो लंबाई है वो 48 रखेंगे। तो इस तरह करते हुए हम यहाँ पर 48 पर हम निशान लगाएंगे, और जो चौड़ाई है इसकी वो हमें 19 इंच की लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 19 इंच की रखी है, सारे में हमने 19 इंच पर निशान लगाए हैं, और जो इसकी लंबाई है वो हमने 48 इंच की रखी है यानी 48 इंच की। तो हम ये पहले इसको कटिंग कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसकी कटिंग कर दी है, और ये देखिए हमने यहाँ से इसको ये पूरा 48 इंच का है, तो ये हम दिखाते हैं आपको, ये पूरा 48 इंच का हमने इसको दिया हुआ है। ये पूरा हमारा 48 इंच है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो तीरा है वो हमें 7 ही देना, जैसे हमने पीछे दिया है तो इसमें जो तीरे का निशान है वो हम 7 पर लगाएंगे इस तरह से, और जो आर्म होल है वो भी हम 7 इंच पर लगाएंगे इस तरह से करते हुए, तो ये भी हम 7 इंच पर लगाएंगे। तो तीरा भी हमें 7 लेना है और आर्म होल भी 7 लेनी है, और जो चेस्ट है उसमें हमने 11 इंच पर निशान लगाया था 1/4 पर, और इसमें हम 1.25 पर लगाएंगे निशान, और जो कमर का निशान है वो हम उसमें हमने 10 पर लगाया था और इसमें हम 10.25 पर लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने तीरा 7 लिया और आर्म होल का भी निशान हमने 7 पर लगाया है,
और जो चेस्ट है वो हमने 11.25 पर निशान लगाया और 1.5 इंच का हमने आगे मार्जिन रखा है और ऊपर से 8.5 इंच पर इस तरह से लेकर हमने निशान लगाया हुआ है कमर का। और जो कमर है वो हमने देखिए 10.25 पर हमने निशान लगाया है और 1.5 इंच का हमने ये आगे मार्जिन का रखा हुआ है। और अब एक निशान हम ऊपर से नापते हुए 36 इंच पर, तो ये निशान हम यहाँ से नीचे 36 इंच पर यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए ये हमने एक निशान 36 इंच पर इस तरह से लगा दिया और इसको हम इस तरह से कमर के निशान के साथ इस तरह मिलाएंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हम गोलाई देते हैं, तो ये देखिए इस तरह हम गोलाई देतेंगे और ये हमारी आगे की और ये हमारी सीधा उस निशान तक जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सीधे उस 36 इंच का जो हमने निशान लगाया वहाँ तक इसको मिला दिया इस तरीके से। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने आर्म होल का भी निशान यहाँ पर लगा दिया है। अब हम सीधी कटिंग पहले वहाँ तक करेंगे, फिर नीचे हमें एक कटिंग और करनी है इसी के, तो वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें गला है वो हमें बोट नेक बुकरम के ऊपर बनाना है, तो वो हम बुकरम पर कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमने सीधी कटिंग 36 इंच तक इस तरह से कर दी है और हम नीचे से इसको देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम पूरा मिलाते हुए इसको यहाँ पर एक 5 इंच का तिरछा निशान लगाएंगे, 5 इंच का। तो देखिए यहाँ कॉर्नर पर खुली साइड हम यहाँ पर एक 5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, और धीरे धीरे इस तरह से करते हुए हम इसकी गोलाई और इस निशान तक इस तरह से ले आएंगे, ये देखिए इस तरह। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी और यहाँ पर हमने एक कट का निशान लगा दिया है। अब हमें ये हमारा पीछे की तरफ लगाना है और अब हमें आगे के पीस की कटिंग करनी है इसी में। तो चलिए वो हम बताते हैं आपको। तो जो साड़ी का पल्ला है उसमें से हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये आगे साड़ी का पल्ला है और जो इसमें हमें लंबाई रखनी है वो 36 इंच की रखनी है। तो इस तरह से करते हुए हमें आगे का पीस बनाएंगे ये लॉन्ग फ्रॉक में ऊपर की तरफ। तो ये हमें 36 इंच की लंबाई रखेंगे, तो यहाँ पर हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे और जो इसकी चौड़ाई है वो हम 13 इंच की रखेंगे। तो इस तरह से हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स 36 हमने इसकी लंबाई रखी है 36 और जो चौड़ाई है वो हमने इसकी 13 इंच की रखी है। अब जो हमने पीछे के पीस की कटिंग की है अभी, तो उसको हम उसी के अनुसार हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हम उसको इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने कमर तक का फिटिंग दी है उसी फिटिंग के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसके ऊपर इसको रख दिया है और इधर बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है और ये पूरा इधर से मिलाते हुए हमने इसको रखा हुआ है। तो दोनों ही इसमें हमें पीस में हमें बोटनेक गला बुकरम के ऊपर बनाना है। तो पहले हम यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेते हैं सारी। तो यहाँ पर हम गले का एक सेंटर मार्क लगाते हैं। तो सिर्फ ये कटिंग हमें इसमें यहीं तक करनी है और बाद में हम करेंगे आगे इसमें। अब जो ये निशान है ये हमें दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ हमने ये निशान लगा दिए हैं और अब सीधी तरफ हमने यहाँ पर गले बनाना है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल बीचों बीच निशान लगाना है इस तरह करते हुए आगे और पीछे के पीस में इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें एक सीधी लाइन यहाँ पर, ताकि हमारा गला बीच में सेंटर में बने बिल्कुल। तो पीछे इसमें भी हमें इसी तरह से निशान लगाने हैं यहाँ पर। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास बुकरम है, इसमें हमें गले की कटिंग करनी है आगे और पीछे के गले दोनों पीस, दो पीस हमें चाहिए। और इसमें जो हमने इसकी लंबाई रखी है वो 6 इंच की रखी है और जो इसकी चौड़ाई रखी हुई है वो हमने ये हमारी 8.25 के करीब है, कम भी आप 8 भी रख सकते हैं पूरी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे 3.25 का इस तरीके से। और जो आगे गले की हमें तैयार लंबाई चाहिए वो हमें 4.5 चाहिए, तो इसमें हम 5 इंच लेंगे क्योंकि आधा आधा इंच हमारे ऊपर तीरे में जाता है। तो ये हम 5 इंच की इसकी गहराई रखेंगे। तो यहाँ भी हमें 3.25 देखना है इस तरह से करते हुए। तो यहाँ पर भी हमें 3.25 पर लानी है लाइन
इस तरह से थोड़ा हमारा तिरछाई, तो इस तरह से, और फिर इसको यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हम सीधा इस तरह से लेते हुए इस तरह, ये देखिए, और जितना हमने यहाँ पर इसका मार्जिन रखा हुआ है तो ये हमारे पास एक पॉइंट कम है, एक इंच में एक पॉइंट कम है, तो इतना ही निशान हम सारे में लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिए हैं। तो गहराई हमने इसकी 4.5 तैयार है तो 5 लिया, और चौड़ाई हमें 7 इंच की रखनी है तो 3/4 लिया, और थोड़ा थोड़ा सिलाई में आएगा हमारा तो ये पूरा 7 इंच का हो जाएगा। तो इसकी हम कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम बाहर से इसकी कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से करते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए, और इसी तरह इसको भी हम इसके ऊपर रखकर, ये भी हमारी लंबाई चौड़ी इसके बराबर है, तो इस तरह से हम इसको बंद तरफ रखेंगे इसको, और यहाँ से इस तरह रखते हुए निशान लगाएंगे इसके ऊपर, तो दोनों गले हमारे इसके अनुसार कटिंग होंगे। तो ये देखिए निशान हमने लगा दिया, अब इसकी भी हम इसी तरह से कटिंग करनी है। और देखिए दोनों ही हमने पीस पर अपने बुकरम के काट लिए हैं अपने गले, और ये यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरह करते हैं, बिल्कुल सेंटर का निशान लगाएंगे जैसे हमने आगे और पीछे के पीस में लगाया है, और उसके बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे और आधा आधा इंच का कपड़ा रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए आधा आधा इंच का कपड़ा रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो देखिए दोनों ही बुकरम पर हमने गले के कपड़े रखकर कटिंग कर दी है, और अब जो हम ये हमने कटिंग की है तो इस कपड़े को हम इसके चारों तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों ही में, और फिर अपने जो हमने आगे पीछे के पीस कटिंग किए उनके ऊपर इनको अटैच करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स दोनों ही पीस पर हमने इस तरह से गले बना लिए हैं, और अब जो आगे का पीस है उसमें हमें ये हमने सेंटर में निशान लगाया हुआ है देखिए, और जो आगे वाले पीस में हमने ये लैस इस तरह गले के चारों तरफ लगानी है, और जो ये सेंटर में निशान लगाया है इसको देखिए इस तरीके से करते हुए यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे इसको सबसे पहले पूरा मिलाकर। तो देखिए यहाँ ऊपर से जो हमारे कंधे हैं वहाँ से हम इसको एक निशान लगाएंगे 31 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ, और इस निशान को हम सीधा इस निशान के साथ यहाँ किनारे पर मिलाएंगे इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से खींच देंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब यहाँ पर हम ऊपर की यहाँ पर इस जगह से हम यहाँ पर एक 13 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ 13 इंच पर इस तरीके से, और बिल्कुल जो हमने ये निशान लगाया यहाँ सेंटर में बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर, यहाँ तक के सबसे पहले हम एक कटिंग ये करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये कटिंग करेंगे, और जो हमने ये 13 इंच का निशान लगाया यहाँ तक हम एक सीधी कटिंग करेंगे यहाँ तक इसको, ये हमारी बन साइड और ये हमारी खुली साइड है, तो ये 13 इंच तक हमने इसको इस तरह से खोलना है, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखिए इस तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ गले पर लैस लगाएंगे, और जो ये हमारे पीस हैं ये यहाँ पर हम पिको करेंगे, यहाँ पर ये पिको होगी, और जो हमारे आर्म होल है जैसे हमने आगे के पीस में हमने पट्टी लगाई है इस तरह हम इसमें पट्टी लगाएंगे सबसे पहले। तो पहले लैस लगाएंगे फिर यहाँ पट्टी लगाएंगे, और उसके बाद हम अपने यहाँ पर इनमें पीको करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये गले पर हमने लैस लगा दी है, और जो हमारी बाजू की साइड है उस साइड भी हमने ये पट्टी अपनी रेप की लगा कर तैयार कर लिया है। और देखिए अब सबसे पहले इसका थोड़ा जिनका है ये वो थोड़ा घेर कम मांग रहे हैं, तो इसका थोड़ा हम यहाँ से नीचे की तरफ से घेर कम करेंगे सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स इतना घेर हम इसकी
कटिंग कर देते हैं क्योंकि वो कम मांग रहे हैं, तो आप इस घेर को कम या थोड़ा ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रंट जो हमने पहले आगे के पीस की कटिंग की थी वो रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम इसको रखेंगे, और उसके बाद हम जो इसी के साथ हमने नीचे से गोलाई वाला पीस कटिंग किया है, ये देखिए भी नीचे से गोलाई है इसमें, तो ये वाला पीस हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको रखते हुए उसके बाद हम सबसे बाद में ये वाला पीस रखेंगे जो हमने पहले दोनों पीस किए थे आगे पीछे की कटिंग, तो उसके बाद हम इसको रखेंगे इस तरीके से। तो इन चारों के को पकड़ते हुए इस तरीके से हम ये इनके तीरों पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोनों, इस तरह चारों आगे पीछे के पकड़ते हुए हम इन पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये हमने तीरों पर सिलाई लगा ली है दोनों ही तीरों पर, और ये देखिए हम आपको दिखाते हैं तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखिए ये हमारे तीरे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ये देखिए ये हमारा ऊपर आएगा और ये इसके नीचे, और फिर ये इस तरीके से। तो सबसे पहले जो हमारा ये ऊपर का पीस है इसको, और जो हमने पीछे गोलाई दिया जिस पीस में उसको छोड़ते हुए, तो सबसे पहले जो हमने सबसे पहले हमने पीस कटिंग किए थे उनको उल्टा करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम उल्टा करेंगे इनको, और यहाँ पर फिटिंग के अनुसार पीछे के पीस में हमने निशान लगाए थे उसी के अनुसार इस तरह सीधा करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, सीधा नीचे तक पूरी पूरी नीचे तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। ये देखिए दोनों ही, ये जो हमने बाद में कटिंग किया उनको हम अंदर की तरफ कर देंगे, उनको हमें सिलाई में नहीं लेना है, सिर्फ हमने जो सबसे पहले कटिंग किए थे उनको हमें सिलाई में लेना है। तो इस तरीके से करके देखिए हमें दोनों ही पीस नीचे तक इस तरह से सिलाई लगानी है जो हमने फिटिंग की सिलाई दी है दोनों में। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों ही तरफ हमने जो सबसे पहले हमने आगे पीछे के पीस की कटिंग की थी उन पर दोनों तरफ हमने जो हमने नीचे तक फिटिंग की सिलाई थी वो लगा ली है, और अब हम देखिए इसको सीधा करते हैं, और जो हमने बाद में कटिंग की थी दोनों पीस, तो ये देखिए ये दोनों पीस हमने पहले कटिंग किए थे, ये देखिए नीचे पूरे घेर तक थे, और ये जो थोड़ा ऊंचा नीचा इसकी हम कटिंग कर देंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो आ रहा है इसको हम सीधा गोल कटिंग कर देंगे और पिको कर देंगे। और अब जो हमने ये आगे की पीस की कटिंग की थी ये, और जो हमने पीछे गोलाई वाले पीस की कटिंग की थी इसको हम इस तरह से करते हुए, और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था और जो हमारा आगे का पीस है वहाँ तक इसको मिलाते हुए यहाँ तक इस तरह से पूरा यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, और जी नीचे हमने गोलाई दी इसके ऊपर सारे पे हमें पिको करनी है, और सबसे पहले हम इस तरह से दोनों तरफ से इसको इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दोनों पीस में यहाँ तक इसमें पहले, और फिर दूसरी तरफ इस तरफ ऐसे इसमें लगाना है हमें इस तरह पकड़ते हुए, और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है आगे के पीस को और सबसे जो हमारा ऊपर पीस है उसको, ये दोनों हमारे सबसे ऊपर है और इधर ये ऊपर है और अंदर के पीस पे हमने सिलाई लगा ली है, तो ये भी जहाँ तक हमारा ये है और वहीं तक हमें इसमें इस तरह से करते हुए सिलाई लगानी है यहाँ तक जहाँ तक हमारा पूरा जाएगा, ये जिस पीस में हमने गोलाई दी थी उसके साथ हमें इसको मिलाना है। तो पूरी इसको भी हमें इस तरीके से यहाँ तक नीचे तक मिलाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सबसे पहले कटिंग किए थे ये हैं, और उसके बाद जो हमने बाद में कटिंग की है उसके बाद वो ये हैं जो हमने कटिंग की थी, तो उसको हम इस तरह से करेंगे आगे। तो जो हमारा गोलाई का पीस है वो पीछे जाएगा, और जो हमने आगे साड़ी के पल्लू में से कटिंग किया है वो हमारा आगे इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरीके से। सिर्फ इसमें हमें तीरे जोड़ने हैं, और जो आर्म होल वगैरह वो हमें अलग अलग करके जोड़ने हैं, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक जो है बनकर तैयार है, और ये हमारा सेंटर में आएगा इस तरीके से, और एक बटन हम यहाँ लगाएंगे, एक बटन इसमें हम यहाँ पर लगाएंगे, और एक बटन हम यहाँ पर इसमें लगाएंगे यहाँ,
तो ये देखिए इस तरीके से हम बटन लगाएंगे और ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगी कुछ। ये देखिए ये हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का, ये हमारी पीछे की साइड है। ये हमारा पीछे का जो गोल पल्लू है ये वो है और ये नीचे के हमारे दोनों पल्लू हैं। और अब देखिए इस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सारे में ये जो हमारा ऊपर का पीस है तो इसमें हमें यहाँ तक पीको करनी है और जो हमारा नीचे का घेर है इसको हम जो थोड़ा कटिंग करते हुए आगे पीछे है थोड़ा ऊपर नीचे तो इसको हम थोड़ा कटिंग कर देंगे धागे वगैरह, और नीचे पूरे घेर में हमें पीको करनी है। और उसके बाद जो हमारा पीछे का ये पीस है इसमें ये इसमें हम पीको करेंगे। आप चाहें तो यहाँ तक हमें इसमें पीको करनी है, जहाँ तक हमारा ये पीस है तो वहीं तक हमें इसमें पीको करनी है। आप चाहें तो सिंपल फोल्ड कर दें तो आप इसको पहले एक फोल्ड करें और उसके बाद सिलाई लगाकर सारे में फिर दूसरा फोल्ड करें तो उस तरीके से झोल नहीं आएगा। तो अब हमारा पीको इसमें करनी है और हमें बटन लगाने हैं, यहाँ पर तीन बटन लगाने हैं ये और पीको करनी है। तो हम इसको तैयार करके आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये हमारी लॉन्ग को बुनकर डिजाइनर लॉन्ग हो गई है और बटन कर तैयार हो चुकी है। और ये तीनों बटन भी हमने यहाँ पर इस तरीके से एक एक करके लगा दिए हैं और ये हमने यहाँ पर इसमें पीको भी कर ली है, ये देखिए इसमें, और नीचे भी हमने यहाँ पर इस तरह से पीको कर लिया इसके चारों तरफ। और इसको उल्टी साइड से भी हम आपको दिखाते हैं और ये देखिए ये हमारी बैक साइड है इस तरीके से, और ये हमारे जो ऊपर का पल्ला था गोल हमने कटिंग की थी वह है, और ये हमारा नीचे की साइड है इस तरीके से। ये देखिए हम इसको आपको डालकर दिखाते हैं।